असल अब राम उम्मीद करते हैं हम लोग खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हफ्जा अमान में रखे तो हम लोगों ने इस रमज़ान की पहली इफ्तारी जो है वो होस्ट करी थी और उसमें हमने दो तीन ही जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनाई थी बाकी सब तो वही नॉर्मल चीज़ें थी जो इफ्तारी में होता है तो एक जो हमारी मेन बहुत स्पेशल डिश थी वो थी ये चिकन चीज़ चिकन चीज़ पेटीज़ बॉक्स पेटीज़ जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो और इसकी ट्लिप मैंने सबसे पहले ही रखी थी ताकि आप लोग इसे देखें एंड एंड तक जो है वो वीडियो देखें तो आप लोग ताकि आप लोग को पता चले कि कितने मज़े के बने थे और आप लोग भी बनाएँ तो इस इफ्तारी में क्या नहीं हुआ वो कम है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई हैं हम लोग लेट हो गए थे फिर मानो अभी के साथ एक चीज़ हो गई जो मैं आपको बाद में बताऊँगी और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ था तो सबसे पहले जो है वो हम छोले बना रहे थे तो छोलों के लिए हमने बोला कि हम पहले से ही बना के रख दें ताकि एंड में सिर्फ फ्राई आइटम्स जो हैं वो रह जाएं तो सबसे पहले हमने छोले जो है वो बॉईल कर लिए थे एंड हमने उसे तेल में जो है वो डाले कितने छोले लिए थे हमने ये मेरे खास चार कप थे हाफ के जी चने थे ये और इसमें मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला और फिर चने डाल दिए थे और उसके बाद भी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें पिसी हुई लाल मिर्चें हल्दी नमक डाल के इनको अच्छी तरह से भून लिया और फिर चार से पाँच चम्मच मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने आधा कप पानी डाल के इनको पकने के लिए थोड़ा सा रख दिया था ताकि इमली का और उसका कच्चापन निकल जाए मसालों का और उसके बाद फिर हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चा डाल के और रेडी कर लिया था फटाफट तैयार हो गए थे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था ये सारी चीज़ें जो है वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे क्योंकि हम लोग को जो है वो मोहल्ले में भी बांटनी थी तो हमने बोला कि एक साथ ही सब बन के हो जाए और ये देखे अम्मी इसमें इतना सारा मैंने पिछले वीडियो में बोला था इतना सारा हरा हर धनिया पुदीना डाल देती कि डिश ही नज़र नहीं आ रही तो इस तरफ भी देखें अम्मी इतना सारा डाल दिया था फिर मैंने बाद में हटवाया था, था थोड़ा सा अब जो है वो हम अपने चिकन चीज़ पेटीज बॉक्स पेटीज़ की जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने प्याज दे ली थी और हरी मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट जो उससे छोटी छोटी जो है वो काट ली थी सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था उसको हल्का सा गरम किया दो टेबल स्पून ऑइल लिया था भर के और फिर मैंने इसमें ये दो से तीन प्याज हैं जिनको मैंने आमलेट कट कर लिया था और हरी मिर्च भी मैंने इसी में डाल डाली थी अब इसको हम हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट कर लेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें आ, दो टेबल स्पून मैंने मैदा भर के डाला था और इसको मैदे के साथ हम भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है ना वो हमारा निकल जाए दो तीन सेकेंड ही मैंने इसे भुना था ज़्यादा नहीं भुना क्योंकि फिर मैदे का कलर चेंज होने लगता है तो फिर वो आ, ब्लैक उसमें आ जाता है कलर की तरफ ना बस फिर क्या इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला था और वन टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डालिए और इसमें मैंने चिकन डाल दी थी वन कप और चिकन पाउडर डाला था मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब हरी मिर्चें मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि बस इस इसमें मैंने हरी मिर्च और ब्लैक ब्लैक पेपर दोनों का ही वो रखा था लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें कुछ नहीं डाली थी एक शिमला मिर्च कट कर कट कर, करके कर, कर कर डाली थी और जब मैंने चिकन बॉयल करी थी ना तो उसकी जो यखनी थी वो मैंने एक कप इसमें डाली है और थोड़ी सी हरी प्याज भी डाली है उसके साथ शिमला मिर्च के साथ अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी थिक हो रहा था फिर मैंने इसमें हाफ कप दूध डाला और अब हम इसे अच्छी तरह से बस पका लेंगे जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये हमारे बॉक्स पेटिस का जो है वो बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा और साथ साथ जो है वो अम्मी के अम्मी जो है वो हाथी के फ्राइज भी जो है वो फ्राई कर रही थी क्योंकि वो जैसे लेस आते हैं ना वैसे वाले फ्राइज खाता है वो पकोड़े नहीं खाता और वो एक ही चीज़ खाता है सिर्फ तो अम्मी उसके लिए बना लेती है कि उसकी इफ्तारी में खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए में बस सिर्फ ये फ्राइज़ ही खाता है और कुछ खाता ही नहीं है और पापा के साथ जाके वो चीज़ ले आता तो ये उसकी इफ्तारी होती है शरबत ये चिप्स और उसकी अपनी चीज़ है उसके बाद जो है अब हम लोग जो है वो बॉक्स पेटीज को असम्बल करें तो उसके लिए हमने क्या लिया है कि समोसों की जो पट्टियाँ होती है ना हमने उसको इस तरीके से प्लस की शेप में रख दिया एंड देन एक चम्मच नॉर्मल सा बैटर लगा हमने चीज़ स्लाइसिस जो होती है ना उनको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया मतलब एक बीच से कट करके एंड इस तरीके से मैदे का ही मैंने बैटर बना लिया था पतला सा और आप इसको अच्छी तरह इस तरह लपेट के हल्का टाइट करके करें साइडों के कोने खुले ना होना पहले अपोजिट साइड को बंद करें जिस पर आपने पट्टी रखी हो ना उस साइड को बंद करिएगा क्रॉस में बंद करें हाँ एक एक करके ताकि वो खुले ना तो ये हम लेंगे तो नहीं लेकिन मैं इतना करें इतन, इतना ज्यादा बैटर भी ना डालें अगर हम ज्यादा बैटर डालते हैं ना तो किनारे खुले रह जाते, जाते हैं।, हैं और वो आ, उठा उठा, उठा बनता है ना तो किनारे नहीं बंद होते तो आप बैटर थोड़ा नॉर्मली डालें बस किनारे बंद होने चाहिए वरना ऑयल अंदर चला जाता है तो सारा मज़ा खराब हो जाता है और फिर निकल के सारा ऑयल भी खराब कर देंगे ये भी हमारे साथ हुआ था एक ये भी हम आपको बांध में जाता हैं अभी जो है वो मैं हम लोग चिकन सैंडविचेस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करा है उसके लिए मैंने वही दो टेबल स्पून ऑयल लिया था और दो ढाई टेबल स्पून ही मैंने ना मैदा लिया उसको मैंने भूना और अब मैंने इसमें डेढ़ कप दूध डाला है इसको मैं भूनूंगी इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह पहले मैंने एक कप दूध डाला था फिर मैंने थोड़ा सा और डाला अब मैं इसमें भी ब्लैक पेपर डाल हूँ तो ये मैंने वन टी ब्लैक पेपर डालिए और मैं औरिगानो डाल रही थी मगर वो निकला नहीं फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला इसमें कुटी हुई मिर्च डाली हाफ टी स्पून और ये है मैं ये डाली हूँ मैं हाँ ये मिक्स हर्ब्स है ये डाली है मैंने ये मसाले तो अपनी तरफ से जो है वो हैंडल कर लें हैं। हम लोगों ने मसाले जो है वो कम ही रखे थे क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे मेरी खाला वगैरह वो कम मसाले खाती हैं तो हमने उनकी हाँ, बच्चों के हिसाब से हाँ वो बहुत कम मसाले खाते हैं ना तो इसलिए हमने थोड़े फीके इस टाइप के खाने रखे थे ज्यादा मिर्चों वाले नहीं कम मिर्चों वाले कम मिर्चों और अभी हमने लास्ट जो है वो इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था फिर हमने सारी सब्जियाँ ऐड करी सब्जी में बंद गोभी थी हाफ कप और एक गाजर थी बड़ी साइज की और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली थी और वही एक कप मैंने इसमें चिकन, चिकन डाल दी थी बॉयल अब ये आ, जो है आपको अब ये मैं ओरिगानो डाल रही हूँ वन टीस्पून इसमें और कंसिस्टेंसी आप लोग देखते रहिएगा इसकी कि मतलब सैंडविच में लगाने के लिए चाहिए तो ऑफकोर्स पतला तो होगा नहीं तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ठीक सा होना चाहिए ना थोड़ा वैसे ये ठंडा होके भी थोड़ा ठीक हो जाएगा हाँ तो उसको उसके लिहाज से करिएगा उसके बाद जो हमने चीज़ स्लाइस ऐड कर लिए थे ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास हो आप करना चाहें तो कर लें वरना ये सिंपल भी बहुत अच्छा वैसे इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है हाँ बच्चों को भी बहुत पसंद हाँ, आता है ना वो तो चीज़ कि उससे खा लेते हैं लेकिन अगर आप ना भी डालना चाहें तो व्हाइट सॉस में तो वैसे भी व्हाइट सॉस आप पिज्ज़ा ही बनाए ना तो उसमें चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको ऐसा लगता है कि चीज़ ही है वो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास उसके बाद जो है वो हम इसे स्लाइस पे सिंपल रख रहे थे एंड हमने स्लाइस के कॉर्नर्स कट कर लिए थे हम चाह रहे थे कि हम ना इसका मतलब Uh, किस तरीके से रहे थे कि हम चार कर मतलब ले तो हाँ, 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 लेकिन ब्रेड छोटी थी फिर मैंने हाँ, इसको वैसे ही सिंपल जैसे सैंडविच करते हैं हाँ हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग इसे जैसे uh...

ट्राइंगल बन जाता है लेकिन वो इधर से बनी नहीं रहता और वो ब्रेड भी ना सैंडविच के लिए हमेशा एक दिन पहले लेके कर रखे ना ये बिल्कुल ताजी ताज़ी थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि वो कट भी कट काट रहे थे ना उसका शेप ही ख़राब हो रहा था तो हम लोगों ने उसी वक्त वो प्लान कैंसिल करा हमने बोला हम इसी तरीके से इसको कट करके रख देते तो हमने सारे स्लाइस जो हैं वो कट कर लिए थे उसके बाद जो है अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो हमें लेट हो गई थी तो तो अम्मी ने जल्दी से जो है ना वो नहीं नहीं मैं लेट नहीं हुई थी गैस हमारी यहाँ जो साढ़े तीन बजे आती ना, तो है ना उसका तो टाइम वही है और हमारे पास था फ्राई का सारा बहुत सारे आइटम थे समोसे भी फ्राई करने थे रोल भी फ्राई करने थे बॉक्स पेटीज भी फ्राई करने थे और काफ़ी चीज सारी चीज़ें थी जो हमें फ्राई करनी थी और ये जो चीज़ें न टाइम बहुत लेती हैं पकौड़े बनाने थे ऑफकोर्स आलू के पकौड़े और मैंने मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाए थे तो ये सब चीज़ें फ्राई की ना इनको टाइम काफी लग रहा था फ्राई करने में साथ साथ जो है वो हम लोग जो है वो इफ्तारी बा भी तो आपको पता है देसी घरों का क्या होता है कि अगर एक चीज बन रही है तो मोहल्ले में बांट दो तो ये भी कर दो तो वो भी कर दो उसके चक्कर में इतना इतना काम बढ़ गया काम और फिर हमारा क्या हुआ कि हमने दो अलग अलग

अब रोल और समोसे जले नहीं थे लेकिन कोर्स उनके ऊपर काला काला लगा हुआ था अब मानो रवि अभी बेचारी टिशू से जो है वो रोल समोसे साफ़ कर रही इतने इतने करने पापा जल्दी से देख कर आए मैंने अपने, अपने कज़न को ट्रे वगैरह पकड़ाई खाला थी खाला हमारी मदद करी थी फ्रूट चाट काटने में फिर खैर खाला और नानी तो अपनी है उनका क्या मसला है उनका तो कोई मसला ही नहीं है फिर हिबान मेरा जो कज़न है वो पापा के साथ गया इफ्तारी वगैरह बाटी फिर हमने जल्दी जल्दी हम आए हम इफ्तारी कर ही रहते बस सजाने हो रही थी और हमारा दस्हान लग रहा था असल स्टोरी <laughs> ये है <laughs> हम खा रहे जल्दी जल्दी फिर मामू जो है अब ना मैं ये टेस्ट ही कर रही थी कि अब दिए देखे इतनी जल्दी की अम्मी मेरे कैमरे में प्लेट घुसाई जा रही मैंने बोला अल्लाह इतना अच्छा अच्छा, अच्छा नहीं अच्छा नहीं मैं मुझे मालूम नहीं था कि ये ना रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ ऊपर से मामू बोल तुम कैमरा रखो तुम खाओ तुम ऐसे कर रही हो तुम अपनी हालत देखो मैंने बोला अल्लाह कैमरा <laughs> दिखाया नहीं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी इतनी मेहनत करिए पूरी रेसिपीज दिखाई दिखाइए है फिर हम लोग कारे खा खाते खाते अचानक से मानो की आ आ करने की आवाज है हमने बोला इसको क्या हो गया मानो हफी की घुटने की पता नहीं क्या नस चढ़ गई हड्डी चढ़ गई ले भाई सब तारी छोड़ के गए का घुटना ठीक करने में लगता है अल्लाह इतना टाइम लगा इतना टाइम लगा दो मिनट तक तो वो हमें समझ में नहीं हम समझे नस चढ़ी होगी तो ऐसी आगे पैर फोल्ड करके बैठ गई थी जगह कम थी सब बच्चे एक दूसरे में घुस घुस के बैठे हुए थे तो वो उसके ना हड्डी चढ़ गई घुटने घुटनी उसका पैर ही सीधा नहीं हो रहा सब हंसी मजाक कर सबको लग रहा है नस चढ़ी होगी ठीक हो जाएगी ले भाई वो तो ठीक ही नहीं फिर सब उठ के जो उसे देखा सबने हाँ, सब अपने के जोड़े दिखाने लगे जिसमें नाना ने बोला कि मेरा जोड़ा अच्छा नहीं है नहीं नहीं बोला नहीं सबको रही थी एंड में मेरा जोड़ा दिखाएंगे मेरा सूट सबसे अच्छा है मेरा ये और फिर उन्होंने बोला ये क्या मुझे कलर ही पसंद नहीं आया और मैं समझ गई थी मुझे छेड़ है लेकिन फिर भी मैं नाना अगर आप ये सुन रहे थे तो मुझे बुरा लगा था <laughs> फिर फिर खैर हम लोगों ने पुलाव बनाया था खाने में तो हम लोग तो खाना खाते नहीं है मटर पुलाव हाँ मटर पुलाव बनाया था हम लेकिन गोश वाला नहीं सादा मटर हाँ, बनाया था लेकिन हम लोग जो है वो पुलाव खाना वगैरह खाते नहीं है तो हम लोगों ने बस नॉर्मली सबने टेस्ट कर दिया था और ये मैं मुझे ग्रीन रायता ज्यादा पसंद है तो मैं चटनी में, में हूँ ग्रीन बनाना चाह रही थी उससे लेकिन वो बन नहीं रहा था तो मैं तीसरा चमचा डालने नहीं वाली थी लेकिन अम्मी ने बोला कि तुम ज्यादा जो है वो कर दोगी मिर्च हो जाएंगी ज़्यादा तो तुम बस इतना काफ़ी है जितना है और बस इसी को खा लो तुम तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो टेस्ट कर लिया था और बस फिर हमने दोबारा शिफ्ट लगाई थी समोसे रोल खाने की <laughs> वो तो जब तक ख़त्म नहीं होते चलते ही रहते हैं रात तक हाँ और बहुत मज़ा आया था अब इन शाला हम आगे भी आपको दिखाएंगे अपनी जो दूसरी इस बार हम पहले से जो है प्रिपरेशन गैस की जो लोड शेडिंग होती है ना उससे बहुत मुश्किल हो जाती है हाँ और इस वक्त भी गैस की लोड शेड जिस वक्त दावत होती है उसी वक्त ये सब होता है तो खैर यही था हमारा आज का ब्लाग उम्मीद करता है आप लोग को पसंद आया होगा मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज